लोग शुरू से रघुवर दास को देते, हारे या जीते लेकिन रघुवर दास को देंगे। लेकिन इस बार तो रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही है, तो उसका बहू हम लोग का बहू है, उसका बहू मेरा बहू है। जब मेरा रघुवर दास भैया को वोट दिए हैं सालों से हम लोग जिंदगी से, तो अभी उसका बहू को ही वोट देंगे। पूर्वी से हम लोग को सिर्फ एक ही विधायक चाहिए, पूर्णिमा दास साहू, सिर्फ एक ही विधायक चाहिए बीजेपी का, वो भी पूर्णिमा दास, कोई डॉक्टर अजय कुमार नहीं। माँ पिताजी बहुत पहले कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस का जो नीति हम लोग देख करके आज हम लोग को समझ में आ गया है क्या अच्छा क्या बुरा है। हम लोग सेंट्रल को देख करके हम लोग बीजेपी को समर्थन कर, बीजेपी काम ही करता ना। हम लोग बस्ती में जितना नाली ये जब रघुवर दास था मंत्री था विधायक था, ये नाली यही बनाया था, ये रोड वही बनाया था। जेएमएम आने के बाद से कहा कुछ नहीं हुआ। पिछले 5 साल से जेएमएम की सरकार रही, उनके द्वारा काम क्यों किया गया? नहीं, हमारे पास तो मतलब हमारे यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ है जितना भाजपा किया है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा के भालूवासा मुखी बस्ती में मौजूद है, जहां भाजपा से प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू जो है जनसंपर्क अभियान चला रही है। आपको मालूम है कि जमशेदपुर पूर्वी में 3,35,616 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में हम सीधा मतदाताओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अभी वोटिंग के समय है और वोटिंग के लिए जो है प्रत्याशी यहाँ आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट करेंगे? देखिए, जिस तरह से शुरू से हमारा रघुवर दास जी हमारे साथ रहा है, पीछे 25 वर्षों से हमारे फादर से यहाँ से रिलेटेड है उनका, और उन्होंने जो भी हो पूर्वी समाज में हमारे मुखी समाज को बहुत योगदान दिया, अपना कर्म दिया, हमने उनसे कई सहयोग भी लिया है। और अभी उनकी जो बहू है, हम तो उनके साथ रहें और सदैव साथ रहेंगे बीजेपी के साथ। कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार प्रत्याशी है और बीजेपी से पूर्णिमा दास साहू प्रत्याशी, किसको मतदान जाएगा? पूर्वी से हम लोग को सिर्फ एक ही विधायक चाहिए, पूर्णिमा दास साहू, सिर्फ एक ही विधायक चाहिए बीजेपी का, वो भी पूर्णिमा दास, कोई डॉक्टर अजय कुमार नहीं। उसे पार्टी का समर्पित है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, बीजेपी जिंदाबाद। भालूवासा अर्जन बस्ती में बीजेपी को ही वोट पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं। देखिए, यहाँ भी कुछ लोग अमित से बात कर रहे हैं, भैया किसको मतदान करेंगे? वोटर आईडी कार्ड बना है ना? हाँ, वोटर आईडी कार्ड बना, मतदान तो करिएगा ना? हाँ, जरूर करेंगे। तो किसको मतदान करिएगा? बीजेपी को। उसका कारण? कारण क्या बोलेंगे? जेएमएम वाले मैया समान योजना के तहत पैसा दे रहे हैं, तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं विकास के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। देखिए, इनका कहना है कि विकास के क्षेत्र में कुछ काम तो हुआ है, लेकिन हमारा मतदान जो है वो बीजेपी के ही पक्ष में जाएगा। यहाँ पे भी चाचा है, हम इनसे भी बात करेंगे। चाचा, मतदान का समय आ गया है, प्रत्याशी वोट मांगने घूम रहे हैं, आप किसको मतदान? नहीं, हम तो भाई बीजेपी को देगा कहना, बीजेपी आज से नहीं, हम कम से कम 25 साल हुआ, 15-18 साल हो गया बीजेपी को देता है कहना, बीजेपी काम ही करता ना। हम लोग बस्ती में जितना नाली ये जब रघुवर दास था मंत्री था विधायक था, ये नाली यही बनाया था, ये रोड वही बनाया था। जेएमएम आने के बाद से कहा कुछ नहीं हुआ। हम अभी तक तो मैंने 5 साल का 4 साल हो गया, मान लीजिए 5 साल, अभी हम अभी तक मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, उसका चेहरा हम दिखा नहीं। जेएमएम वाले तो कहते हैं कि भाजपा जुमलेबाज की सरकार है, केवल जुमलेबाज। नहीं नहीं, ये गलत बात है, जो बोलता गलत बोलता है। अभी महिला है, उनसे भी बात करेंगे। आइए चाची, अभी आप लोग यहाँ स्वागत के लिए खड़ी थी, किसके स्वागत के लिए खड़ी थी? और पूर्णिमा साहू के स्वागत के लिए खड़ी थी मैं। तो वो वोट मांगने के लिए आ रही है, आशीर्वाद लेने के लिए बस्तियों में घूम रही है, कितना आशीर्वाद मिलेगा उनको? तो यहाँ से पूरा ही सपोर्ट मिलेगा भाजपा को, वो लोग काम करते हैं इसलिए। पिछले 5 साल से जेएमएम की सरकार रही, उनके द्वारा काम क्यों किया गया? नहीं, हमारे पास तो मतलब हमारे यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ है जितना भाजपा किया है। हम तो भाजपा को शुरू से वोट देते हैं, तो भाजपा को ही, हम मोदी को जानते हैं, बस मोदी को ही और किसी को नहीं। भैया, इस बार किसको मतदान करेंगे, आपका वोटिंग किधर जाएगा? मेरा वोटिंग तो बीजेपी में जाएगा, शुरू से हम बीजेपी में देते हुए आ रहे, बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी क्या है कि हमारे बस्ती में बहुत सेवा की हुई है और कोई पार्टी सेवा नहीं करते। जेएमएम वाले काम नहीं करते हैं? नहीं, जेएमएम वाले काम नहीं किए, अभी तक काम नहीं किए जेएमएम, खाली आते हैं वोट लेते हैं चल जाते हैं। हम लोग सिर्फ बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं। पूर्णिमा दास साहू यहाँ से प्रत्याशी है और वोट मांगने की अपील कर रही है, जनता के पास जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, जिनका नसीब में होगा उन्हीं को देंगे, है ना? वोट के लिए प्रत्याशी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे, कैसी है प्रत्याशी? प्रत्याशी तो ठीक है, ये है,
पहले का 85 से 75 से ठीक है, जीतने का उम्मीद है। जीतने का उम्मीद है, इनसे भी हम बात करते हैं। भाजपा की प्रत्याशी हैं जो आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहली बार वोट उखाड़ा हुआ है, तो बस्ती वासी के लिए इसके सब दुख से सेवा करने के लिए तैयार है लोगों ने, तो हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं को वोट दे के जिताएं, ताकि बीच में बीजेपी मुख्यमंत्री जो कुछ योजना करता है जो उसे सही कर रहा नहीं, बहुत साथी मुझे अगवा कर दिया है, तो इस तरह से बीजेपी को इस बार जिताना बहुत जरूरी है। हम लोग शुरू से रघुवर दास को देते, हारे या जीते लेकिन रघुवर दास को देंगे। लेकिन इस बार तो रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही है, तो उसका बहू हम लोग का बहू है, उसका बहू मेरा बहू है। जब मेरा रघुवर दास भैया को वोट दिए है सालों से हम लोग जिंदगी से, तो अभी उसका बहू को ही वोट देंगे? और रघुवर सरकार जब थी तब काम हुआ था? बहुत काम हुआ, नाली भी बनाया वही आकर के, हम लोग का घर घर में लैटरिन बाथरूम बना के दिया है, घुस घुस के घर घर झुपड़ी पड़ा में सबको लैटरिन बाथरूम का पैसा दिया बनाने बोला। वो अच्छा इंसान है, उसी को हम लोग वोट देंगे। उसका बहू होने से भी वो उसका बहू हम लोग का बहू, हम ही लोगों को वोट देंगे। अभी भाजपा की प्रत्याशी जो है यहाँ पर वोट मांगने के लिए आई है, ऐसे पहले भी और भी प्रत्याशी आ रहे होंगे? हाँ आ रहे हैं। तो आप लोग किसका चुनाव कर रही है, किसको वोट करेंगे? रघुवर दास का, उसको बहू को। रघुवर दास का, उसको बहू को। क्या वो काम होता है उनके? हाँ होते हैं, सब काम करते हैं, बहुत सारा काम किए हुए हैं वही। अगर रघुवर दास की बहू विधायक बनती है जीत करके, तो किन मुद्दों को जो है काम करवाना चाहे? अब तो ये नहीं पता। चलिए आगे भी कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से हम बात करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। यहाँ पे भी एक युवक है, हम इनसे बात करते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव है, वोटिंग किसको करेंगे? पूर्णिमा दास को, बीजेपी का पूर्णिमा दास को। इसका कारण? इसका कारण कि जब रघुवर दास जब यहाँ का विधायक था ना, तो बहुत काम किया था, राज्यपाल रहते हुए भी बस्ती को ध्यान देता है और देखता भी है। तो इधर और कोई मतलब 5 साल विधायक रहा, सरयू राय विधायक रहे, वो काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करता, खाली यहाँ पर खाली इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करता है। वर्तमान में जो है भी झांकने नहीं आया। वर्तमान में विधानसभा अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के टिकट पर यहाँ अजय कुमार भी प्रत्याशी है, उनको वोट जाएगा इधर से? हम लोग का बस्ती में भालुआ से हरजन बस्ती में एक बार भी डॉक्टर अजय कुमार झांकने तक भी नहीं आता है, और वोट मांगने से उसको मिलेगा? बगल में रघुवर दास का ऑफिस है, हम लोग कुछ भी काम होने से पूरा सहयोग मिलता है, मदद मिलता है, हर चीज का सहयोग करता है। जरा मतदान का समय आ गया, प्रत्याशी जो है बस्ती बस्ती घूमने लगे हैं, ऐसे में आप लोग जो है वोट किसको करें? देखिए हमारा वोट तो हमारे समाज का, खास करके वालुवासा का, 1995 में से आरम्भ हुआ कि माननीय रघुवर दास जी चुनाव लड़े, और हमारे लोकल व्यक्ति होने के नाते और इस बस्ती से उनका संबंध होने के नाते में पूरा बस्ती के लोग बीजेपी में देने लगा। उनके मार्फत से हमारे बस्ती में बहुत विकास का काम हुआ, जैसे कि सामुदायिक भवन किया कि हम दलित लोग के लिए बहुत लाभदायक हुआ, दूसरे रोड नाली पानी और यहाँ का बहुत से ऐसे मुद्दा पर काम किया, ऐसे लोगों का काम किया। अगर दो प्रत्याशी की बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी है और पूर्णिमा दास साहू जो है वो भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी है, इन दोनों में से किसको मतदान? देखिए जरूर IPS है डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, लेकिन वो IPS होने के बाद जब MP जीतने के बाद उन्होंने जो काम किया, उसके बाद हारने के बाद उसका नादारद हो गया, जमशेदपुर से विलुप्त हो गया रहा। अब चुनाव का समय आया, अभी ऐसा करेंगे कि IAS और IPS का बारे बता रहा है, जो आप IPS ने पढ़ा तो एक अच्छा कानून पर उनको ये करना था। और पूर्णिमा दास जो एक पत्रकार है और घर की बहू है, उस बहू को अगर पार्टी ने जिस तरह जिम्मेवारी दी है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बेखूबी से उसमें निभाएगी, और पूरा जनता इस विधानसभा का उन पर जैसे टूट पड़ रहा है, मुझे लगता है कि भारी मतों से वो जीतेगी, क्योंकि पूर्णिमा दास का जो माने एक बहू का और एक परिवार का जो एक मानव महिलाओं का जो ये होता है संस्कार, उस पर संस्कार दिख रही है, ये संस्कार से ही वो विजय हासिल करेगी। चलिए ठीक है, संस्कार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक भैया है, दादा वोट किसको करेंगे? भाई हम तो 74 से बीजेपी को देते हैं, हमारा परिवार देते हैं, कहे कि रघुवर दास जो हमारा बस्ती का विकास किया है, दुर्गा स्थान बनाया है, कोई आदमी अगर गंभीर बीमारी होता है उसको इलाज करवाता है, ये सारा चीज करता है, और हम लोग उम्मीद है
कि उसी पर्पज से उसका बहू को दिया है, उसका बहू भी परिवार भांति हम सभी को निभाएंगे। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in